पर बहुत गरीब किसान है। वह बहुत ईमानदारी से मेहनत करता और अपने फसल उगाता। पशुधर अपने खेतों से सब्जियां तोड़कर गांव में ले जाता बेचने, और कभी कभी बाजार में भी ले जाता सब्जियां चिला चिला कर बेचता वसुधर। ओ वसुधर अंकल, आपके घर से कोई बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। मेरे घर से बच्चे की रोने की आवाज? हे भगवान, मुझे जल्दी जाना होगा घर, मेरी बेटी बीमार होगी। वसुधर के गांव से बहुत दूर होते थे दूसरे गांव, जहां पे वसुधर अपना सब्जियां का ठेला लेकर जाता था बेचने। उसको आते आते काफी रात हो जाती है। वसुधर घबराता भी है और चिंतित भी होता है अपना बेटी को लेकर। वसुधर अपने घर पहुंच जाता है और सब्जियां वाले ठेला को बाहर ही रख देता है। घर के अंदर प्रवेश करता है तो वह देखता है अपनी बेटी को सोई हुई। काफी खुश हो जाता है वसुधर। फिर सोचता है शायद काफी रात होने के कारण रो रही होगी। जैसे ही सुबह होता, भोजन बनाने लगती काजल अपने पिता के लिए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनने के बाद वह अपने लिए भी खुद भोजन बनाती। वसुधर भी सवेरे उठ के अपने कामों में लग जाता, अपने बैल को लेकर अपने खेतों की ओर जाने लगता। रास्ते में एक आध दो लोग मिल जाते तो वसुधर बातें कर लेता, लेकिन एक दिन साहूकार आता है और वसुधर से कहता है, मैं तुम्हें बाजार पे ढूंढा, तेरे घर पे गया, तेरी बिटिया अकेले मिलती है। तुम जो पैसा लिया है मेरा से कर्ज, उसे तो वापिस कर दो, वरना अपना जमीन और घर गिरवी रख दो मेरे पास। अगर मैं जमीन गिरवी रख दिया तो मैं कैसे फसल उगाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, और घर गिरवी रख दिया तो मैं कहाँ रहूंगा, मेरी बिटिया कहाँ रहेगी। से एक महीना का समय चाहिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा, जितना भी लिया हो सूद समेत दे दूंगा, ऐसे परेशान ना करें। सिर्फ और सिर्फ एक महीना के बाद मेरा पैसा सूद समेत मेरा वापिस कर देना, वरना तुम्हारा सारा चीज मैं अपने नाम कर लूंगा। फिर तुम रोओगे या गिड़गिड़ाओगे, मुझे दया नहीं आएगी, इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ तुम्हें। काजल को बुलावा आता है अपने अमीर दोस्तों के घर से। एक अमीर दोस्त का बर्थडे रहता है, लेकिन काजल के पास उतने पैसे नहीं होने के कारण वो अपने हाथ से खीर बनाकर पैक करके ले जाती है गिफ्ट के तौर पे। काजल के साथ बहुत भेदभाव होता है वहाँ पे। काजल के साथ मजाक भी बनाया जाता है, लेकिन काजल किसी को दिखाना नहीं चाहती कि उसे खराब लग रहा है, और अपने घर चली जाती है। तो आ गई मेरी प्यारी बिटिया, कैसा रहा अपने अमीर दोस्तों का पार्टी और बर्थडे? हमें तो बताओ क्या क्या खाकर आई हो, बड़े लोग होते हैं बड़े बड़े चीजें खाते होंगे, बताओ बिटिया क्या खाई? मुझे गरीब कह के भगा दिया गया, वहाँ से कुछ खाने को नहीं मिला पिताजी, हम लोग क्यों गरीब है पिताजी इतने? मेरी प्यारी बिटिया रानी, कौन कहता है हम लोग गरीब है? हम लोग धन से गरीब है, दिल से तो बहुत अमीर है। चलो आज तुम्हें 56 प्रकार के भोजन खिलाते हैं। और वसुधर किसान अपनी बेटी के लिए 56 प्रकार के भोजन बना देता है। उसकी बेटी काजल खाकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मैंने तो ऐसा भोजन कभी नहीं खाई। जब काजल के पिताजी खेतों पे चले जाते हैं काम करने, तभी काजल अपने गांव की किसी सहेली के साथ खेलती या तो फिर अपने घर के अगल बगल की लड़कियों के साथ खेलती। एक दिन, अच्छा काजल, तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारा जो मनपसंद हीरो है वो कौन सा है? जैसे मेरा सलमान खान है, तो तुम्हारा कौन है बता? तुम ये कैसे सवाल करती हो? मेरा सुपर हीरो मेरे पिताजी हैं, और वही सब मेरे लिए, मेरे भगवान भी मेरे पिताजी ही हैं। वसुधर अपने गांव के सेठ से कर्ज लिया था खेती करने के लिए। सेठ भी एक महीना का समय दिया था वापस करने के लिए, और वो यह भी बोला था कि तुम्हारा जमीन मेरे हवाले कर। चलो निकलो निकलो, अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा, मैं तुम्हें एक महीना का समय दिया था ना, तुमने पूरा नहीं किया, तो चलो निकलो। अगर और 10 मिनट रहा तो मैं कुछ भी ले जाने तक नहीं दूंगा। मेरी बेटी है मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊंगा सेठ जी? ऐसा ना करे सेठ जी, मैं आपको पूरा पैसा वापिस कर दूंगा, बस कुछ समय दीजिए,
मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा सेठ। देखो वसुधर, मैंने तुम्हें एक महीना का समय दिया था ना, तुमने पैसा वापस नहीं किया, इस हिसाब से तुम्हारा घर और तुम्हारा जमीन मेरे हवाले करो, और नहीं करोगे तो मुझे जबरदस्ती भी आती है, समझा? और मैं तुम लोगों को कोई ठेका लेके नहीं रखा हूँ, तुम और तेरी बेटी कहीं भी जाके मरो, मुझे उससे मतलब नहीं है, और जल्दी करो, ताको मत, देख क्या रहे हो, मेरे सामने खड़े हो। पिताजी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग का घर कहाँ है? हम लोग अपने घर को क्यों छोड़ के जा रही हैं पिताजी, और अपने खेतों को बताइए। वसुधर अपनी बेटी को लेके जंगल की ओर निकल जाता है, लेकिन वसुधर जाए भी तो जाए कहाँ, वो कुछ सोच नहीं पाता है, अपनी बेटी को क्या जवाब दे। पता नहीं बिटिया कहाँ जाएंगे, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है आज के रात ही रुकना पड़ेगा, फिर सुबह सोचना पड़ेगा कहाँ जाना है। वसुधर तुम बहुत अच्छे इंसान हो, वसुधर तुम बहुत अच्छे मनुष्य हो, तुम मेरे सारे फल ले जाओ और अमीर बन जाओ। सोने से भरा पेड़ बोल रही थी, यह देख के वसुधर चौंक जाता है और काजल भी हैरान रह जाती है, और वे लोग पलट के देखते हैं तो सच में पेड़ बोल रही थी। मेरे सारे फल ले जाओ वसुधर, मेरे सारे फल सोने के हैं, और हाँ ये राज किसी को भी मत बताना वरना गलत प्रभाव पड़ेगा। वसुधर बहुत सारे सोना रामलाल सेठ को दे देता है, और रामलाल सेठ से वसुधर बोलता है, रामलाल सेठ अब मेरा जमीन और मेरा घर वापस करो, मुझे इस सोने चांदी से लालची नहीं है, मुझे तो अपना जमीन और अपना घर चाहिए, मैंने अपना जमीन से भी ज्यादा सोना दिया है आपको, अब जल्दी से मेरा जमीन वापस करें और मेरा घर भी वापस करें, मुझे अपना घर जाना अपनी बिटिया के साथ। लालची सेठ यह सोचता है कि अगर मैं सोने पाने का राज जान लूंगा वसुधर से तो मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा, मालो माल हो जाऊंगा। नहीं वसुधर नहीं, मैं ना तुम्हें अपना जमीन दूंगा और ना ही अपना घर दूंगा, जब तक तुम मुझे पूरा चीज नहीं बता देते हो सोने पाने का राज, तब तक मैं कुछ नहीं दूंगा। वसुधर रामलाल सेठ को बारीक से एक एक चीज करके बता देता है, शुरू से अंत तक का एक एक चीज बताता है। रामलाल अपना जमीन जायदाद सारा सोना चांदी वसुधर के नाम पे करके चला आता है, वो भी जंगल यह सोच के कि मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा सोना ले। कुछ ही देर में एक सांप आ जाता है बड़ा सा, और पूरा चीज सफेद हो जाता है, सोना तो नहीं लेकिन सांप मिल जाता है रामलाल सेठ को, और वह डर के भागता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट